तो बस ये किसने भेजे हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई थे जिनके पास में हमें ये अवेलेबल हुए हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि समय समय पर हमारे द्वारा हमारे सभी बर्ड्स के लिए काफी ज्यादा परचेसिंग की जाती है, काफी ज्यादा सामानों की खरीद की जाती है। उसी तरीके से आज मैं और गणेश जी कुछ सामान अपने बर्ड्स के लिए लेकर आए हैं, अभी मार्केट से बस आए ही हैं। क्या क्या सामान आज हम अपने बर्ड के लिए लेकर आए हैं आपके बीच में अनबॉक्सिंग करेंगे, उसकी क्या जरूरत होती है उसके बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो के साथ में बने रहें। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारीख और हमारे साथ में है गणेश जी, हम दोनों करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा नजदीक लेके जाता हूँ उन सभी सामानों के और आपको नजदीकी से दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नग ये है और दूसरा नग ये है, तीसरा नग ये है और चौथा नग भी दे दो गणेश जी, और चौथा नग ये है। तो ये चारों ही सामान हमारे सभी बर्ड्स के लिए है। यहाँ पर इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो छोटे से अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे बर्ड्स के लिए प्लेटें, जो कि इससे पहले भी मैं अपने बर्ड्स के लिए लेकर आया था। आप देखें दोस्तों, वो प्लेटें कम पड़ गई थी क्योंकि हमारे पास में सेपरेट केजेस काफी ज्यादा है और ये प्लेटें होती है सॉफ्ट फूड के लिए। बर्ड को मॉर्निंग में जो सॉफ्ट फूड दिया जाता है उसके काम में आती है ये प्लेटें, तो काफी बेस्ट क्वालिटी में दोस्तों। इन प्लेटों का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि ये साफ काफी आसानी से होती है। नंबर पे अब अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। दोस्तों इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, सेंधे नमक के और काले नमक के भी पत्थर है इसके अंदर, आप देखें दोस्तों। काफी सारे पिंजरों में मुझे ऐसा लगने लगा कि जो नमक है उसके जो पत्थर है वो काफी छोटे हो गए, तो मैंने सोचा कि हमारे बर्ड सेटअप के लिए नमक भी लाया जाए। तो ये दोस्तों आप देखें, ये इतने बड़े नहीं रखेंगे, इनके टुकड़े करेंगे। दोस्तों इतना बड़ा बॉक्स सोचे कि क्या होगा, शायद आपने थंबनेल देख ली है तो अच्छी तरीके से आप जान गए होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं रखता, जो कुछ भी वीडियो में होता है थंबनेल में बता देता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस कार्टून के अंदर क्या है। दोस्तों ये क्या है, ये है समुद्री जाग, ये आप देखे हैं दोस्तों, इसका आप साइज देखें। मैंने मिक्स साइज में मंगवाए हैं, जो कार्टून में समुद्री जाग है इसमें बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। अब दोस्तों समुद्री जाग क्या काम आते हैं, शायद अधिकतर हमारे पक्षी प्रेमी भाई ये जानते होंगे, लेकिन काफी भाई नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं जो कि नए बर्ड लवर है। दोस्तों ये समुद्री जाग क्या है, जिसको हम कटल फिश बोन कहते हैं, कटल जो फिश होती है उसकी ये बोन है, हड्डी है। दोस्तों ये काफी अच्छा कैल्शियम का सोर्स होता है हमारे बर्ड के लिए, और बर्ड के पिंजरे में ये लगाने पर बर्ड इसको खाते हैं और इसको खाने पर बर्ड की कैल्शियम की कमी पूरी होती है। दोस्तों वैसे तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने बर्ड को कटल फिश बोन काफी कम देता हूं, क्योंकि हमारे जो कैल्शियम ब्लॉक है, कैल्शियम ब्लॉक के अंदर कटल फिश बोन का पाउडर मिलाया होता है, तो कटल फिश बोन का काम जो है वो कैल्शियम ब्लॉक ही कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आज ये जो मैंने कटल फिश बोन मंगवाए हैं, ये इसलिए मंगवाए हैं कि हमारे काफी भाइयों की डिमांड है कि मोहित भाई आप जो है वो कटल फिश बोन मंगवाए, हमें नहीं मिल रहे हैं। हमारे काफी सारे भाई ऐसे हैं जिनको कटल फिश बोन नहीं मिल पाते हैं, तो उनकी डिमांड रहती है। दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले एक से दो महीने से मैं अपने सभी पक्षी प्रेमी भाइयों को सीड महंगा होने के कारण कम रेट का सीड प्रोवाइड करवा रहा हूं, अलग अलग जगह ऑल ओवर इंडिया बीकानेर से सीड भेज रहा हूँ। तो आप स्क्रीन पे कुछ वीडियोज की लिंक देख सकते हैं, जहां पर मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं सीड को लेकर। तो जब हमारे पक्षी प्रेमी भाई हमारे साथ में जुड़े तो उनका कहना था कि मोहित भाई आप हमें कटल फिश बोन भी प्रोवाइड करें। दोस्तों वैसे तो आप जानते हैं कि समुद्री इलाकों में इन चीजों की कमी नहीं होती, लेकिन हमारे काफी सारे भाई ऐसे होते हैं जिनको ये चीजें नहीं मिल पाती है। तो बस ये किसने भेजे हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई थे जिनके पास में हमें ये अवेलेबल हुए, तो काफी अच्छा लगा हमें ये देख के। दोस्तों क्वालिटी काफी बेस्ट है और हमारे बर्ड सेटअप पर भी काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई आते हैं,
काफी बर्ड्स रखने वाले भाई आते हैं जिनका कहना होता है कि मोहित भाई हमें बीकानेर में कटल फिश बोन नहीं मिल रहे हैं, और अगर मिल रहे हैं तो काफी छोटे और काफी महंगे मिल रहे हैं। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ मैंने बैग के अंदर भी कुछ कटल फिश बोन मंगवाए हैं जो कि आप देखें। दोस्तों ये तो मैं हर बार मंगवाता हूँ, आप नजदीकी से देखें। दोस्तों ये तो बारीक कटल फिश बोन है जिसका मैं पाउडर बनाता हूँ हमारे कैल्शियम ब्लॉक के लिए। दोस्तों कैल्शियम ब्लॉक में जो कटल फिश बोन का पाउडर जो है वो ऐड होता है, वो इन्हीं का पाउडर बनाया जाता है। ये आप देखें दोस्तों, इसका एक जो भाग होता है ये मुलायम होता है, दूसरा काफ़ी हार्ड होता है, तो ये हमारे कटल फिश बोन के अंदर ऐड किया जाता है पाउडर फॉर्म में। और इसी के साथ ही ये दोस्तों बड़े मैंने मंगवाए हैं, तो दोस्तों मैं देखता हूँ इसको बजीस पैरट की कॉलोनी में भी लगाएंगे और हमारे जो फिंच बर्ड है उनके सेट पोपर भी लगाएंगे और देखेंगे कि हमारे बर्ड का क्या रिएक्शन रहता है, क्या हमारे बर्ड इनको खाते हैं या नहीं। और आप जानते हैं कि मेरे बर्ड सेटअप पर बर्ड्स की ब्रीडिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से होती है, तो दोस्तों फिर भी ये लगाएंगे हमारे बर्ड सेटअप पर और देखते हैं कि इनका रिजल्ट कैसा रहता है। तो आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका रिजल्ट कैसा रहता है, क्या आप ये समुद्री जाग यूज़ करते हैं, कटल फिश बोन यूज़ करते हैं। और हमारे किसी भी भाई को अगर कटल फिश बोन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि बीकानेर के नज़दीकी के एरिए के हैं, बीकानेर के आसपास के हैं, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और उसी के साथ ही दोस्तों अगर किसी भाई को बर्ड सीड की रिक्वायरमेंट है तो वो मुझे व्हाट्सएप के दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आप कहाँ से हैं, आपके शहर का नाम, आपके शहर का पिन कोड नंबर और आपके पास में कौन से बर्ड हैं और कौन सा सीड आप सभी को चाहिए। अब दोस्तों बात ये है कि ये जो कटल फिश बोन है ये हमारे बर्ड सेटअप में किस तरीके से हैक करें, क्या इसको नीचे रखें या कहीं पर भी जो है हैक करें टंगाए, तो मुझे लगता है कि कहीं पर टंगाना इसको काफ़ी ज़्यादा उचित रहेगा। तो उसके लिए दोस्तों इसका एक स्टैंड आता है प्लास्टिक का जो कि जाली पे लगता है, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने दोस्तों ये वाली जो टाई लॉक होती है इस टाई लॉक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ मेरे पास पोकर है, पहले कभी सुराग नहीं किया हुआ इसके ऊपर, तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो मैंने एक ड्रिल मशीन भी यहाँ पे रखी है आप देखें, तो कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर सुराग हो जाएगा क्या। दोस्तों बड़ी ही आसानी से इसके ऊपर सुराग हो गया है, तो दोस्तों इस तरीके से आप देखें कि कटल फिश बोन पे हमने ये टाई लगा दी है। और इसी तरीके से दोस्तों हम कुछ कटल फिश बोन पे टाई लगाते हैं और आप सभी को दिखाते हैं, उसके बाद चलेंगे बर्ड सेटअप में इसे लगाने के लिए। तो दोस्तों अब नंबर आता है हमारे द्वारा लाए गए नमक का, तो इनके भी हम जो है वो बारीक टुकड़े कर लेते हैं, ज़्यादा बारीक भी नहीं, पत्थर के हिसाब के आप देखें। तो दोस्तों फाइनली हम अपने बर्ड सेटअप पर लेकर आ चुके हैं समुद्री जाग कटल फिश बोन और काला और सेंधा नमक। तो दोस्तों अब मैं सभी पिंजरों के अंदर समुद्री जाग लगा देता हूं, शुरुआत करते हैं बजीस पैरट की कॉलोनी से, और उसके बाद जिन जिन पिंजरों में नमक नहीं है या खत्म हो रखा है या काफी छोटा है तो वहां पर नमक भी लगा देंगे। तो इसको एक बार रखता हूँ पिंजरे के ऊपर। दोस्तों जो नमक है वो ऑलरेडी रखा हुआ है, सिर्फ कटल फिश बोन नहीं है, तो ये हम अभी लगा देंगे।
तो दोस्तों इसी तरीके से हमने सभी पिंजरों के अंदर कटल फिश बोन, कैल्शियम ब्लॉक, काला नमक, सेंधा नमक रख दिया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड का ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।